हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गौरी मिस डिज़ाइनर। सो आज हम इस वे लहंगे का रिक्रिएशन करने वाले हैं। जैसा कि आपने ब्लू लहंगा देखा, तो हम इस तरह का लहंगा बनाने वाले हैं। मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह का फैब्रिक यूज़ होगा। तो हमने लहंगे का इस तरह का फैब्रिक, लाइनिंग वाला फैब्रिक लिया है 4 मीटर, और इस तरह का ब्लाउज़ का फैब्रिक लिया है 1 मीटर, जिसमें हमने हैंड वर्क करवाया है मिरर का। तो ब्लाउज एंड लहंगे का फैब्रिक हो गया 1 मीटर ब्लाउज फैब्रिक, 4 मीटर लहंगा फैब्रिक, और हमने दुपट्टे के लिए ये वाली लेस बाय करी है। दुपट्टे के लिए ये वाली लेस खरीदी है और प्लेन जॉर्जेट खरीदा है हमने लहंगे की लेयर्स के लिए एंड दुपट्टा बनाने के लिए। हम इसमें एम्ब्रॉयडर नेट भी खरीद सकते हैं, बट यहाँ पे मुझे जॉर्जेट का ही बनाना था इसलिए हमने जॉर्जेट खरीदा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लहंगा किस तरह बनाना है। तो लहंगे के लिए हम सबसे पहले लेयर्स की कटिंग करेंगे। तो लेयर्स की कैलकुलेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम, तो इस तरह का लहंगा है और इसमें 3 लेयर्स है, तो ऊपर वाले लेयर की लेंथ 25 इंचेस रखेंगे और नीचे वाले की 6 और 11 इंचेस रखेंगे। तो इस तरह कैलकुलेशन कर ली। अब हम ऊपर वाले लेयर कट कर लेते हैं। तो ऊपर वाले लेयर के लिए हमें फैब्रिक को इस तरह रखना पड़ेगा एंड लेंथ वाइज हम 26 इंचेस हमें काटनी है, वो भी 3 पीसेस। तो हम यहाँ पे पहले फैब्रिक को स्ट्रेट कर लेते हैं फाड़ कर। आपसे फाड़ा नहीं जा रहा तो आप कैंची से भी कट कर सकते हैं स्ट्रेट। तो इस तरह स्ट्रेट फैब्रिक करने के बाद हम इंच टेप लेके 26 इंचेस हमें रखनी है, 25 इंचेस हमें रखना है। तो 26 to 27 इंचेस मार्जिन के साथ हम ऊपर वाली लेयर कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम अच्छे से फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करने के बाद हम 26 इंचेस की 3 लेयर्स कटिंग करेंगे ऊपर वाला पार्ट बनाने के लिए। लेंथ हम 26 इंच रखेंगे। सेकेंड लेयर भी काट लेते हैं उसी तरह से फोल्ड करके। इन समय इसमें सेकेंड लेयर तो नहीं, 3 पट्टे काटने हैं, 3 पीस हमें काटने हैं ऊपर वाला लहंगा बनाने के लिए, लहंगे के ऊपर वाला पीस बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम इस तरह से चपटी देके इसे फिर कमर के साइज़ का बना लेंगे। तो हमने काटे हैं टोटल 2 पीसेस, बट 2 पीसेस यहाँ पे कम होंगे तो हम टोटल 3 पीस काट लेते हैं, ताकि घेर थोड़ा ज़्यादा हो। अगर आपको और ज़्यादा घेर चाहिए तो आप 4 पीस काट सकते हैं। यहाँ पे मैं एक और पीस काट लेती हूँ, 3rd पीस। ये आप देख सकते हैं कि 2 पीस रेडी हो चुके हैं कटिंग होके। तो 2 पीस यहाँ पर कम लग रहे हैं तो मैं एक और पीस कट करूँगी। तो तीनों के तीनों पीस कट हो चुके हैं। अब हम नीचे वाले लेयर्स कट करेंगे। तो नीचे वाले लेयर के लिए, नीचे वाली फ्रिल्स कट करेंगे। तो नीचे वाली फ्रिल्स के लिए हमें इस तरह का जॉर्जेट फैब्रिक चाहिए। टोटल हमें यहाँ पे फैब्रिक 4 से 5 मीटर चाहिए होगा। जितना ज़्यादा हमें ज़्यादा फ्लेयर, ज़्यादा फ्रिल्स लगानी है, ज़्यादा ब्रॉड फ्रिल्स लगानी है, तो हम ज़्यादा फैब्रिक ले लेंगे।
यहाँ पे ऊपर वाले फ्रिल्स के लिए 6 inches हमने डिसाइड, 6 inch हमने डिसाइड किया था, तो मार्जिन के साथ हम 7.5 inch के टोटल हमने 6 पीस काटने हैं। ऊपर वाली लेयर के 3 पीस काटे हैं, तो यहाँ पर हम 6 पीस काटेंगे खड़े। ये ध्यान रखिए हमें आड़े कट नहीं करना है, तो सबसे पहले हम फैब्रिक को स्ट्रेट कर लेते हैं। टोटल 6 पीस हम कट करेंगे इसके। तो हमने ऊपर वाली लेयर के 3 पीसेस काटे, तो इसके हम 6 पीस काटेंगे और नीचे वाले के हम 12 या फिर 10 पीस कट कर लेंगे। यहाँ पे मैं मेजर कर लेती हूँ, 7.5 inches, 7.5 inches के 6 पट्टे मुझे काटने हैं। अब हम लाइनिंग कट कर लेते हैं, तो लाइनिंग के लिए हमें बटर क्रेप और कॉटन दो टाइप की लाइनिंग लगानी है, क्योंकि यहाँ पे हम कैन भी लगाने वाले हैं। तो फिर यहाँ पे हम बटर क्रेप को फोल्ड कर लेते हैं लेंथ के हिसाब से, तो लेंथ प्लस 4 inches हम रखेंगे, क्योंकि हमें 4 inch का नीचे कैनवास की फोल्डिंग के लिए चाहिए रहेगा, तो फोल्डिंग हम इसी में काटेंगे। तो यहाँ पर मैं 46 inch पे को लेकर फोल्ड कर लेती हूँ फैब्रिक को। यहाँ पे अब डबल फोल्डेड फैब्रिक है और टोटल जो लेंथ है वो 46 inches है। तो 46 inches जितना लेके हमें फोल्ड करना है फैब्रिक को इस तरह से। फोल्ड करने के बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट भी कर सकते हैं, यहाँ पर मैं कट कर लेती हूँ। अब ये डबल, अब हमने एक और फोल्ड कर लिया, ये टोटल 4 folded फैब्रिक है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया, पहले डबल फोल्डेड है 46 inch लेके, फिर एक और बार फोल्ड है